अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अलामा मोहम्मद इकबाल की बहू और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अहलिया, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा से। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी रूटीन क्या है और ज़िंदगी किस तरह से गुजारती हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर, कैसी हैं मैम आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, कोविड के ज़माने में इंसान ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहता है। सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं आप, दिन का आगाज़, नाश्ता क्या करती हैं? माशाल्लाह इतनी हसीन है, खाती क्या है आप? मैंने क्या हसीन होना है, अब तो मेरी उम्र कहती थी ना थोड़ी रह गई थी, बहुत ही लंग गई। तो मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि आजकल 3:30 बजे सहरी होती है, 4 बजे आप नमाज पढ़ सकते हैं और ये 4:45 बजे तक नमाज रहती है जी। और उसके अलावा ये है कि कोई कुरान मजीद का मुतालिया, या मैंने तो अब आसान तरीका रखा हुआ है क्योंकि अब निगाह भी उस तरह की नहीं है कि वो 30 सिपारे जो है वो रिकॉर्डेड है। थोड़ी सी ये है कि सुबह चहलकदमी कर लेती हूँ, पीछे छोटा सा सब्ज़ा है। बिल्कुल, आपने सब्जे की बात की तो माशाल्लाह बाग आपका बाहर बहुत खूबसूरत है, क्या बागबानी का भी शौक है? बागबानी का मुझे शौक तो नहीं है, मेरी वालदा को बहुत शौक था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बहुत अच्छा, मेरे पास है एक लड़का जो आया था खाक रोप के तौर पे, लेकिन फिर उसने कुछ माली बानी भी सीख ली, वही थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, कोई इतना खास तो वैसे बाग नहीं है। अच्छा मैम, आपका मेका और ससुराल जो है वो दोनों ही अदबी घराने हैं, तो दिन में कितनी किताबें पढ़ती हैं? नहीं, अब तो देखे ना मेरी बिनाई वैसी नहीं रही, और मैंने ये ऑपरेशन कराना था आँख का, मैं सोच रही थी कैटरेक्ट वगैरह, लेकिन फिर ये आ गया कोविड जी, तो मैं तो इतनी किताबें नहीं पढ़ती। अलबत्ता ये है कि सवाने जो है वो पढ़ने का मुझे शौक़ है, और मैं किसी न किसी की सवाने उमरी, मसलन शाहिद हामिद जो हमारे गवर्नर भी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने अपनी सवाने उमरी लिखी है, वो मैंने पढ़ी। उससे पहले मैंने पढ़ी राशिद लतीफ़ साहब जिनकी हमीद लतीफ़ है, उनकी बहुत दिलचस्प है। और आजकल मैं पढ़ रही हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इरशाद हसन खान, इरशाद नामा जी। तो बस वो मैं ये है कि थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ, और वो भी सुबह के पहर में। कि आपने बीए किया, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तो डिग्री मुकम्मल क्यों नहीं कर पाए? शादी हो गई तो फिर वो बीच में ही रह गई, फिर अच्छा। बच्चे छोटे दोनों पैदा हुए, 2 साल का इनका फर्क है, इनको स्कूल ले जाना, स्कूल से लेके आना, इनको तैयार करना, ये सारे काम जो थे इसमें बड़ा वक्त लगता है, और माँ ही तो करते हैं। फिर जब वो बड़ी क्लासों में गए तो फिर मैंने शुरू किया, फिर उनका ये आलम था, वो कहते थे आप बैठ के पढ़ेंगी तो हम पढ़ेंगे, ये हमने ऐसे नहीं पढ़ना। मैंने कहा कितनी माएँ यहाँ पढ़ती हैं, लेकिन ये कि उनको फिर एक शौक होता था कि अम्मी कुछ कर रही है तो हम भी करें। वकालत की डिग्री ले ली, और वो भी घर बैठे ही मिल गई, उन ज़मानों में औरतों को प्राइवेटली करने की इजाज़त थी। फिर उसके बाद LLM हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, उसका शुरू किया, LLM मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये बच्चे मेरे बाहर पढ़ने गए, तो मैंने सोचा चलो मैं देखूँ कि वहाँ पर क्या होता है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल में मुझे दाखिला मिल गया जी। मैंने वहाँ जाके फिर MPhil दोबारा से किया, मैं गई तो PhD करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपके LLM रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो मैम ये वकालत का शौक कैसे पैदा हुआ, क्या आपको जावेद साहब से आप इंस्पायर हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में उन्होंने कभी वकालत अदालत की बात ही नहीं की थी। मैंने तो अखबार में देखा इश्तिहार के जी 100 रुपए दें तो आप इम्तिहान देने के लिए अपना दाखिला ले सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया औरतों को प्राइवेट करने की इजाज़त थी, मैंने 100 रुपया जाके जमा कराए, किताबें खरीद ली, एक महीना पहले वो आपको ये दाखिला होता है ना, तो एक महीना वो था मेरे पास। फिर हर इम्तिहान 7 पर्चे होते थे, हर इम्तिहान के दौरान एक महीने का दौरानिया था, और 3-4 दिन छुट्टी होती थी हर इम्तिहान, तो वो मैं 3-4 दिन दोहरी बार इसको दोहरा लेती थी। इस तरीके से मैंने इम्तिहान दे लिया, हम वहाँ पे रहते होते थे गड़ी शाहू में, जावेद मंजिल जिसको कहते हैं वहाँ पे, अब तो वहाँ म्यूजियम है। तो क्या TV वगैरह देखने का मैम आपको शौक है, ड्रामे कोई देखती हैं, कोई जावेद साहब के साथ आपने कोई फिल्म देखी और आपको याद आती हो? कम और बेश देखिए, हमारे जवानी में तो कोई खास आउटिंग वगैरह का कोई दस्तूर नहीं था, सिनेमाज में लोग कम जाते थे। नहीं, सिनेमाज में जाते थे, एक आ जाके वही तो थी एक्टिविटी या रिक्रिएशन। अच्छा। तो मेरे भाई थे डॉक्टर अनवर जो बच्चों का इलाज करते थे, पिछले साल वो गुजर गए, और उनकी अहलिया वो भी मेरी खालाजादी, तो हम हफ्ते में एक दफ़ा हफ्ते के दिन इकट्ठे खाना खाते थे, या उनके घर या हमारे घर, और फिर हम इकट्ठे सिनेमा जाते थे।
अच्छा। तो ये इनको, मर्दों को तो बड़ा शौक था वो जैसे 007 की फिल्में देखनी, जी जी, तो बस वही फिल्में हम देखा करते थे। तो ये हमारी तफरी होती थी उन दिनों। तो लड़कियां जो होती हैं शादी से पहले डरी हुई होती हैं, परेशान होती हैं, और फिर आपकी इतने बड़े घराने में शादी हुई, तो उस टाइम फीलिंग्स क्या थी? बस ये तो था ना कि एक आजमाइश है, क्योंकि आपका अगर नाम मुंसलिक हो जाए किसी बहुत बड़े नाम से, नाम खास तौर पे मुफक्करे पाकिस्तान से, तो आप सोचते हैं कि आपके किसी किए से कोई उंगश नुमाई ना हो, लोग ये ना कह सकें कि देखिए उनके ख़ानदान वाले। तो इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लॉ की डिग्री ले ली, मैंने प्रैक्टिस नहीं शुरू की जब तक मेरे शौहर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर नहीं हुए, और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन मैं समझती हूँ 50 से भी ऊपर थी जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने लोगों में आज़ादी की रूह फूंकी, क्या इम्पैक्ट होता है शायरी का लोगों पे? अलामा इकबाल ने तो शायरी का जो था ज़रिया वो इस्तेमाल ही इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं शायरी से अपना जो है मुद्दा वो लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि नसर कोई पढ़ता नहीं, तो शायरी ये है कि याद कर लेते हैं लोग या सुनते हैं। और अलामा इकबाल तो अंजुमन हमायत इस्लाम के जो होते थे जब से, उनमें अपनी शायरी पढ़ते थे तो लोग रोते थे, और वो बिल्कुल सादी सादी नज़में भी होती थी, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, उसके एंड में आज़ाद मुझको कर दे है कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कह दी तू छोड़ कर दुआ ले। वाह वाह। तो ये फिर लोगों को अजबार होते थे। मेरे वालिद बहुत अलामा इकबाल का कलाम पढ़ते भी थे और रोते भी थे, और बचपन में मैंने बैतबाजी में बहुत हिस्सा लिया स्कूल में कॉलेज में, और मैं हमेशा अव्वली आती थी, तो शेर अशार तो मुझे बहुत आते थे, लेकिन उनके अफकार के साथ मेरी इतनी शनासाई नहीं थी, मैं कोई फलसफी तो हूँ नहीं। अलामा मोहम्मद इकबाल का कोई ऐसा शेर जो का बहुत फेवरेट हो? असल में उनका सारा कलाम जो है ना वो नौजवानों के साथ मुखातिब होते हैं, और जावेद ने उनको ख़त लिखा जब वो गए लंदन में, उन ज़मानों में ग्रामोफोन राइज हुआ था जी, तो जावेद ने उनको चिट्ठी लिखी, और मेरा ख्याल है उनकी उम्र उस वक्त 8 साल 9 साल थी कि अब आप मेरे लिए ग्रामोफोन लेके आइए। अच्छा। तो अलामा इकबाल ग्रामोफोन तो लेके ना आए थे ना, मैं समझती हूँ उनके पास इतने वसाइल थे, तो उन्होंने उस खत पे जवाब दिया, जावेद के नाम उसका पहला खत वसूल होने पर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, वाह, और खुदा अगर नफस जिब्राइल दे तुझे सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीब फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाह। तो ये बहुत इसमें सबक आमोज उनकी नज़म है ये जावेद के नाम, लेकिन उसके अलावा आपको पता है बिल्कुल शुरू शुरू में इब्तदा में उन्होंने बच्चों के लिए दुआ लिखी, और मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो वही दुआ हम पढ़ते थे, अब जब मेरे बच्चे स्कूल गए थे वो पढ़ते थे, मेरे पोते पोतियाँ भी पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हमने भी अपने स्कूल से यही दुआ पढ़ी है, की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये मेरी पोती भी मुझे आके सुनाती है, ये देखें मैंने दादा बाला की ये सीखी हुई है दुआ, दादा बाला कहती परदादा उनके लगते हैं ना। हाँ जी मैम, आप बहुत से लोगों के लिए, खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, आप वर्किंग वेमेन है, तो वर्किंग वेमेन के लिए क्या कहना चाहेंगी और वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खवातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता है, कि मेरी वालदा ने तो जब पाकिस्तान का क़याम हुआ था अपने घर के अंदर एक स्कूल खोला था जहाँ हम रहते थे, तो अब मैं उसी तरीक़े को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने घर में तो नहीं, मैंने साथ ही करीब यहाँ स्कूल खोला है गुलिस्तान सईदा। अच्छा। क्योंकि मेरी वालदा का नाम था सईदा जी, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ ये किसी तरह अगर हम औरतों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें ना, तो इससे बड़ा हमारे पास कोई उनके लिए नेमत नहीं है। तो मैम आपको कुकिंग वगैरह का शौक़ था लाइफ में कभी कुछ? मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी, क्योंकि मेरे वालिद लीग ऑफ नेशन में जनीवा में थे। हाँ जी। तो वहाँ पे उनका इंटरनेशनल क्लब होता था, तो वहाँ हर हफ्ते या जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो वो किसी ना किसी बैनुल अक़वामी किस्म की कुकिंग सिखाते थे। तो अच्छा। मेरी वालदा को बड़ा शौक था, उन्होंने तो हर सीखी हुई थी, लेकिन बात यह है कि जब वो इतना अच्छा कुक करती थी मुझे कहती थी आ जाओ तुम भी सीखो अपने घर में जाओगी तो, मैं बावर्ची खाने में जाना उनका शौक इतना था, उन्होंने खुद ही शुदू हो जाना करना, तो मुझे कह रहे थे देख रही हो ना, मैंने कहा हाँ देख रही, लेकिन देखने से देखे ना अमल से जिंदगी बनती है, प्रैक्टिकलिटी। तो मैंने क्योंकि उसमें कभी हिस्सा लिया नहीं तो मुझे आता ही कुछ नहीं था जी, तो जब मेरी शादी हुई तो बड़ी परेशानी थी मेरी वालदा को, मुझे कहने की पता नहीं तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुमने सीखा ही कुछ नहीं जी। इस वक्त मैं दुल्हन बन के तो वहाँ बैठी हुई थी
सिटिंग रूम में, तो मेरी नंद जो है मुनीरा बानो वो मेरे साथ आके बैठी, तो मुझे कहने लगी अड़िए एक मैं तेन सलाह देवा बुर्ज खाने च ना जाए, एक दफा बुर्ज खाने च बढ़ गई ना तो तेन किसी ने बाहर ही नहीं करने देना। तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला शक्कर हो रही कोई खुदा ने शक्कर दे दी, मैंने कभी बाबरची खाने का रुख ही नहीं किया। अच्छा, और वो खनसामा आम तौर पे आप देखें जब घर में आ जाती है ना घर वाली तो खनसामे भाग जाते हैं क्योंकि हर चीज में मुदाखलत करती, मैंने तो मुदाखलत क्या करनी थी, मैंने कुछ भी नहीं करना था, तो वो फिर खनसामा भी बड़ा खुश था। तो हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत से आप कितनी खुश हैं? अब कुछ कह नहीं सकते, 2.5 साल तो गुजर गए, जो खत गुर्बत से नीचे हमारी आबादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। खैर एक कोविड भी आ गया, ये इनका सारा कसूर तो नहीं है, लेकिन ना तजुर्बाकार होने की वजह से मैं समझती हूँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि वाकई इसको एक काम शोबे, शोबे के बारे में कुछ सही तौर पे पता है, कुछ नहीं पता। और मैं तो इस वक्त वो जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयर भी हूँ, तो तमाम जो खतूत जाते हैं रियासत को वो मेरे दस्तखत से ही जाते हैं कि जी हालात को आप बेहतर करें, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी नसीहत पकड़ ले, खुद पर तो नसीहत करने का फायदा नहीं होता, हर एक ने करना वही होता है जो उसकी मर्जी होती है। लेकिन आपने इतनी खूबसूरत बातें की कि वो दिल को छू रही थी, और यकीनन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन पे अमल भी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।